आज हम लोग करेंट अफेयर्स को देखते हुए करेंट अफेयर्स के कुछ टॉपिक को भी छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से पढ़ेंगे। जैसे अभी हाल ही में BSF के द्वारा ऑपरेशन सर्द हवा चलाया गया है, क्योंकि ठंडी के मौसम में ऑपरेशन सर्द हवा चलाया जाता है BSF के जवानों द्वारा, तो इसके बारे में हम लोग थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। तो इसमें पढ़ना क्या है, ऑपरेशन सर्द हवा इसके बारे में क्या पढ़ना है। ये BSF के जवानों द्वारा BSF द्वारा चलाया गया है। अच्छा, ऑपरेशन सर्द हवा, एक डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा एग्जाम में कि ऑपरेशन सर्द हवा किसके द्वारा चलाया गया है, तो BSF के द्वारा चलाया गया है। इसमें क्या होता है कि राजस्थान के जैसलमेर जो राजस्थान में है, वहाँ पर क्या होता है, जो भी पाकिस्तान से सीमा टच करता है, पाकिस्तान से तटवर्ती सीमा, इस समय क्या होता है कि सर्दी के मौसम में बहुत सारे धुंध या कोहरे वहाँ पर मतलब कि रहते हैं, तो उसे क्या होता है कि सीमा सुरक्षा वहाँ पर बढ़ा दी जाती है। तो BSF के द्वारा क्या होगा था कि जैसलमेर राजस्थान में पाकिस्तान से लगने वाले सीमा क्षेत्रों में सैनिकों की तैनाती की जाती है। इसमें क्या किया जाता है, क्यों ऐसा किया जाता है ऑपरेशन सर्द हवा के माध्यम से, इसमें ये किया जाता है कि अभी क्या होगा कि सर्दी के मौसम में जो भी कोहरा या धुंध के कारण सीमा क्षेत्र दिखाई नहीं देता, दूर तक दिखाई नहीं देता है, तो इससे क्या होता है कि आतंकी घुसपैठ होने की संभावना रहती है। इसमें क्या होगा, घुसपैठ की संभावना ज्यादा होती है, इसीलिए ऑपरेशन सर्द हवा चलाया गया है ताकि घुसपैठ ना हो सके। अच्छा, ऑपरेशन सर्द हवा इस सर्दी के मौसम में चलाया जाता है, हर एक साल लगभग चलाया जाता है सर्दी में। और ऑपरेशन गर्म हवा गर्मी में, ऑपरेशन गर्म हवा गर्मियों में चलाया जाता है। इतनी बातें समझ में आ गई। ये किसके द्वारा चलाया गया, तो सीमा सुरक्षा बल BSF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स BSF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, इसकी स्थापना 1 दिसंबर 1965 को हुई थी सीमा सुरक्षा की दृष्टि से। अच्छा, जो भी भारत के साथ पाकिस्तान और बांग्लादेश की सीमाएं लगती है, तो उसकी सुरक्षा के लिए इनकी स्थापना हुई थी। एक BSF पर मैं एक वीडियो बना दूंगा और उसमें चर्चा की जाएगी। अभी तक तो इतना मतलब कि अच्छा है कि अगर एग्जाम में आता है कि ऑपरेशन सर्द हवा क्या है और इसके बारे में थोड़ी बताएं, तो इसके बारे में और लिखा जा सकता है कि जैसलमेर में जो चलाया गया ऑपरेशन, तो इसमें सर्दियों के मौसम में धुंध के कारण जब सीमा क्षेत्र अवरुद्ध हो जाता है, तो उसमें सैनिकों की तैनाती बढ़ा दी जाती है ताकि घुसपैठ को कम किया जा सके। अभी 26 जनवरी आने वाला है, तो 26 जनवरी को लेकर और भी इसकी तैनाती बहुत हद तक बढ़ा दी गई है।